हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और उसमें बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इनवर्स का फॉर्मूला होता क्या है, और वह अगर जो होता है वह कैसे होता है। क्योंकि होता क्या है कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन बहुत कम ही स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि आखिर ये आया कैसे, क्योंकि वो क्या करते हैं उसको रट लेते हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, हम लोग फॉर्मूले को भी देखेंगे और साथ ही उसको हम लोग डिराइव भी करेंगे, यानी कि प्रूव भी करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इनवर्स कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। क्या हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो इस बात को हम लोग यहां पर नोट करते हैं। क्या लिखेंगे कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वेयर मैट्रिक्स then it is inversible। इनवर्सिबल का मतलब क्या कि इसका इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। ये तुम लोग एक लाइन में क्या पढ़े कि कब इनवर्स पॉसिबल है और कब इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग आगे चल के इसी लेक्चर में ड्राइव भी करेंगे। अब कहते हैं कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो इसके इनवर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि इफ ए इज अ, यहां पर लिख देते हैं इट्स, देन इट इज इनवर्सिबल एंड इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ठीक ना। अब ये ध्यान देंगे, अगर एक कोई एक इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम लोग को एक ऐसा मैट्रिक्स बी है ना अवश्य ही एग्जिस्ट करेगा जिससे कि दोनों का जब प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, चाहे ए बी निकाला जाए चाहे बी ए निकाला जाए, किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। फिर समझिए क्या बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि अगर ए क्या है इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, यानी ए का इनवर्स अगर पॉसिबल हो तो एक ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा अवश्य होगा जिससे कि हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे चाहे ए बी चाहे बी ए, तो कितना आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, और ये जो आई आएगा ये उतने ही ऑर्डर का आएगा जितने ऑर्डर का ए रहेगा, बी कितने ऑर्डर का रहेगा तो बी भी उतने ही ऑर्डर का रहेगा जितने ऑर्डर का ए रहेगा। तो इस बात को नोट करते हैं, कहते हैं कि लेट ए बी एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट्स अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो थोड़ा सा यहां पर काम कर लेते हैं, लेट ए बी एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका लिख देते हैं, ऑर्डर नहीं लिखे हैं तो ऑफ ऑर्डर एन देन देयर एग्जिस्ट अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कितने ऑर्डर का, इन ऑर्डर का, ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन। ये बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। इन दिस केस इस स्थिति में जो ए इनवर्स होगा वह क्या हो जाएगा, यही बी हो जाएगा, समझ में आया। क्या हो जाएगा,
जो ये बी है ये क्या कहलाएगा, ए इनवर्स। इसका मतलब ये दैट इज हम यहां से लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहां देखिए बी की जगह क्या कर देंगे ए इनवर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए ए इनवर्स आई के बराबर। जब यहां रखेंगे तो ए इनवर्स ए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कब डिफाइन है कब डिफाइन नहीं है और कैसे डिफाइन है, ठीक ना। और अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब हम लोग इसके फॉर्मूले को फाइंड करते हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, यानी इनवर्स होता क्या है। तो यहां ध्यान देंगे तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी के प्रोडक्ट के बराबर आता है, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, वन के बराबर होता है। ऐसे तो इस बात को लिखते हैं, सिंस वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या जानते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए कितने भी ऑर्डर का हो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो कितना होता है, वन। इन लोगों को पता है, ठीक है। और हम लोगों के पास पहले से है, वी हैव क्या पता है हम लोग को, तो देखिए यह है हम लोग पास, तो लिखते हैं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन, इस दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, हम लोग इसी को लेते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू आई एन, अगर दो तरफ डिटर्मिनेंट निकाले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको आई एन का डिटर्मिनेंट, इसके स्थान पर ये फॉर्मूला यूज कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इसके स्थान पर ये वन यूज कीजिए, तो क्या मिल गया यहां से, देयरफॉर डिटर्मिनेंट, या फिर ऐसे लिखिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना गया, वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी आया। ये जीरो के बराबर नहीं है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं आया। और जो जीरो के बराबर नहीं आया तो क्या कहलाता है, ए कौन सा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और यहां हम लोग पढ़े हैं कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज इनवर्सिबल, यानी क्या कि इसका इनवर्स पॉसिबल है ना। हेंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सही है। अब कहते हैं कि इसका हम थोड़ा सा कन्वर्स लेते हैं, यानी कन्वर्सली लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, सही है। ऐसे अब यहां ये बताइए, वी हैव हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को, तो हम लोग को ये पता है कि ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ऐसा तो हम जानते हैं। अब डिटर्मिनेंट ए इस दोनों में आकर इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू में ए इक्वल टू क्या आएगा, आई आई एन यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, एक बार कंपेयर कीजिए, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए इनवर्स इक्वल टू ये मिल जाएगा, देखिए तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो ए और ये किसके स्थान पर आएगा, ए इनवर्स के स्थान पर, तो लिख सकते हैं क्या कि सिंस
ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड ये रहा हम लोग का फॉर्मूला जो किसका है, ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग देखें कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए फॉर्मूला कैसे आया और ये कब पॉसिबल है। तो कब पॉसिबल है, ये ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है, यानी कि ए इनवर्स ही तभी पॉसिबल है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर स्टार ब्रैकेट लिख लीजिएगा, दस ए इनवर्स इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको इसी तरीके से अच्छे से समझा करके जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।